बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल रियल लाइफ स्टडी। आज हम ग्रेड 6 फोर्थ एडिशन कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूनिट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने टॉपिक पढ़ा था डेस्कटॉप विंडो 10 लेक्चर 3, उसका आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसमें हमने पढ़ा था कि डेस्कटॉप विंडो 10 का जो डेस्कटॉप है वो कैसे दिखाई देता है, और उसमें हमने स्टार्ट मेन्यू और ड्राइव, टास्क व्यू, सर्च बार, टास्क बार, शॉर्टकट सिस्टम ट्रे एंड विद एक्शन सेंटर को पढ़ा था, और इसको हमने वन बाय वन डिस्कस भी किया था। आज हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं ताकि आपको ये वाजे हो जाए। ये हमने जब कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं तो ये सारा जो है ये डेस्कटॉप कहलाता है। ये अभी जितने भी मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ इसको डेस्कटॉप कहते हैं, और डेस्कटॉप के ऊपर ये जो आइकॉन है, ये आइकॉन है, इसको आइकॉन कहते हैं। आपको मैं एक आइकॉन ड्रैग करके बता देता हूँ, ये स्क्रैच 3 प्रोग्राम का आइकॉन है, इसको आइकॉन कहते हैं। अभी ये जो नीचे एरिया है, एक्चुअली इसको हमने डिस्कस किया था। अभी ये पहले हमने स्टार्ट मेन्यू को किया था, ये एरिया बटन जो है लाइक विंडो, ये स्टार्ट मेन्यू है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी प्रोग्राम है हमारे कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। इसमें आप ये सेटिंग है, पिक्चर है, डॉक्यूमेंट, यूजर, इसका पावर बटन, ये इसकी सिस्टम की रिलेटेड जो जितनी फंक्शन है, लेकिन ये जितनी भी हमें नजर आ रहे हैं विनजिप है, 3D व्यूअर है, एक्सेस, एडोब फोटोशॉप, ये जितनी भी सॉफ्टवेयर हैं ये इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। आप इसको स्क्रॉल अप और डाउन कर सकते हैं, तो ये जितनी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं इस पीसी के ऊपर यानी हार्ड डिस्क के ऊपर वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, तो ये इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। अभी इसका एक तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, इसको हम शो करवा सकते हैं, अदरवाइज अगर हम कीबोर्ड से इस विंडो बटन को क्लिक करेंगे लाइक दिस तो ये शो हो जाएगा। अगर हम दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी हालत में चला जाता है। इसके साथ हमने ड्राइव को डिस्कस किया था। ये दिस पीसी यानी इसका मतलब है कि ये जो ड्राइव है ये 4, ये लोकल डिस्क सी, इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ये हमारे पास हार्ड डिस्क की कैपेसिटी फुल दिखाई दे रही है, इसको आप यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं। अगर आप इसको सिग्रीगेट करना चाहते हैं और बहुत वाजे करना चाहते हैं तो न्यू वॉल्यूम को रीनेम करके आप यहाँ पे अपना नाम लिख दें, या कोई आप कोई भी जिस रिलेटेड डाटा आप इस ड्राइव पे पार्टीशन पे रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप नाम नहीं भी देना चाहते तो लोकल डेस्क सी, लोकल डेस्क डी, ई, एफ, तो ये हार्ड ड्राइव की पार्टीशन है। यहाँ पे ये जो आपको रेड लाइन में दिखाई दे रहा है, मैं एज ए इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि जब एक ड्राइव बहुत फुल हो रही हो, उसमें तकरीबन 98% 95% वो डाटा आ जाता है तो ये रेड हो जाता है। तो अभी ये देखें, इसका स्पेस वैसे 58.5 GB है लेकिन इसमें 2.46 GB रह गया है, तो ये इसको भी मैं इसके स्पेस कुछ फाइल्स या एप्लीकेशन या कोई डेटा इसमें पे डिलीट करूँगा तो ये इस कंडीशन में आ जाएगी। ये हमें अलार्म कर लेता है कि भाई आपकी हार्ड डिस्क में कैपेसिटी कम हो रहा है, तो ये रेड निशान इस वजह से है फॉर इंफॉर्मेशन। तो अभी ये जो एरिया है यहाँ पे, ये डेस्कटॉप का फोल्डर है, ये म्यूज़िक का फोल्डर है, पिक्चर का फोल्डर है, डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, तो ये इसका एक जिस तरह एक अलमारी में फर्दर एक खाने होते हैं तो वो इसी तरह ये एक मैनेजमेंट इस हार्ड डिस्क की हो गई है। तो लेकिन ये सारा डेटा जो है एक्चुअल वो इस 4 पार्टीशन पे पड़ा होता है, तो ये हमने इसको डिस्कस किया था, ये इसका है। अगर आप कोई भी वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो आपको इसकी कैपेसिटी बता देगा कि इसकी क्या टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो या इसकी कंट्रोल प्रोग्राम में जाके ड्राइव में या इसकी सेटअप में जाके वहाँ पे भी आपको, लेकिन यहाँ पे आपको ये फुल बता रहे हैं कि ये 92 GB की है, ये 85 7.8 GB की है, इतनी, ये सारी आपको अपनी जो हार्ड डिस्क की बेसिक इंफॉर्मेशन है कैपेसिटी के लिहाज से वो आपको शो हो रहा है। अच्छा, इसको हमने डिस्कस किया, इसका प्रैक्टिकल हो गया। अभी ये जो दूसरी नंबर पर हम सर्च बार को टाइप हेयर टू सर्च, यहाँ पे आप कोई भी
या आप क्लिक करें तो आपको ये सारे रिसेंटली जितनी भी ओपन हो चुके हैं, ये सजेस्टेड में आ रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन में आप जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में आप जाना चाहते हैं, सेटिंग में जाना चाहते हैं, या मोर में आप म्यूजिक फोल्डर आप सारा जाते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। इसको आप इंटर करें म्यूजिक से, फर्स्ट क्या यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ ऑफिस, तो ये ऑफिस की रिलेटेड जितनी भी आ गई हैं, इसको आप ऑफिस पे क्लिक करें तो ये ऑफिस ओपन शुरू हो गया। यानी यहाँ से आप कोई भी अपनी पीसी की रिलेटेड सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप पेंट के रिलेटेड देखो, यहाँ पे मैंने पेंट जो ही क्लिक किया, रिसेंटली मैंने ओपन किया था, तो यहाँ से आप उसको सर्च करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टास्क व्यू को डिस्कस कर लेते हैं कि टास्क व्यू हमने पढ़ा था कि हमारे कंप्यूटर पे हमने जितनी भी टास्क ओपन की होते हैं, लाइक मैंने ये जो वर्ड ओपन किया है, एक्सेल ओपन किया है, गूगल ओपन किया है, अगर इसके अलावा भी आपने कोई ओपन किया है तो आप अभी देखना चाहते हैं तो एक तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो टास्क व्यू है, यानी ये इसका टास्क व्यू आपको ये नजर आ रहा होगा, इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये टास्क व्यू है, यानी इस कंप्यूटर के इस टाइम एक्टिव टास्क 4 नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा इसका शॉर्टकट ये है कि आप कीबोर्ड से विंडो प्लस टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आपको टोटल आ जाएगा, तो आप जिस टास्क पे भी जाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं तो उस स्विच में आप कर लें। फर्स्ट क्या मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आना चाहता हूँ, तो ये अभी मैं दोबारा इसको प्रेस कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे गूगल में आना चाहता हूँ, तो ये एक टास्क व्यू का आपको पता चलता है कि कितने टास्क इस पे अभी इस कंप्यूटर के ऊपर इस टाइम चल रहे हैं, तो ये टास्क व्यू है। और ये जो एरिया है, ये यानी टास्क व्यू से लेकर राइट साइड पे जितना ये एरिया है, यहाँ तक ये टास्क बार शॉर्टकट है। यहाँ पे जितने ये आइकन आपको नजर आ रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन जब ओपन हो जाती है तो उसका एक मिनिमाइज हो के या शॉर्टकट इसकी यहाँ पे आ जाता है। और इस टास्क बार में आप कोई पिन भी कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक ये फोटोशॉप का मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये पिन हो गया, यहाँ से इसको मैं अनपिन भी कर सकता हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे चल जाएगा। तो ये भी हमने पढ़ा था, यहाँ से इसको सिंपल आप ड्रैग करके यहाँ पे ले हैं, तो इसका ये फ़ायदा है कि आप जब भी कंप्यूटर को अपने ऑन कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको क्लिक करके एक ही सिंगल क्लिक से ये ओपन हो जाएगा। और इसको अगर कोई आपको दोबारा अनपिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अनपिन भी हो सकता है। तो ये है टास्क बार। अच्छा, इसके साथ एक और इसका जो ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन है जो हमें वो शॉर्टकट के लिहाज से, अगर आप पहले आल्ट प्रेस करो फिर टैब बटन करो तो आप यहाँ से भी टास्क बार में से जा सकते हैं। लाइक मैं आपको ये देखो, अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ गया, अभी दोबारा मैं प्रेस कर लेता हूँ तो मैं गूगल में आ जाऊँगा, अगर दोबारा आल्ट प्लस टैब को मैं प्रेस करके मैं एमएस वर्ड में आ जाऊँगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका फंक्शन है, अगर आप क्विकली परफॉर्म करना चाहते हैं, मल्टीपल टास्क आपने ओपन की हुई हैं और कोई भी आपको अपना जूनियर या सीनियर या बॉस आपको कर लेता है कि थोड़ा सा मेरा जो एमएस वर्ड में एक एडिट करना है उस फाइल को, तो आप फटाफट आल प्लस टैप करके आप इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे आप अपना एडिट करके दोबारा सेव करके दूसरे का एमएस एक्सेल में स्विच कर जाते हैं। तो एक तो तरीका तो यही है कि आप आल प्लस टैप के साथ स्विचिंग कर लें। दूसरा तरीका यही है कि जिस तरह ये अभी एक एमएस एक्सेल की शीट ओपन है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह एमएस वर्ड के ऊपर फाइल पे चला जाऊं तो जो मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो गया। अभी इसी टाइम अगर मुझसे कोई सवाल करे कि यार गूगल में मुझे ज़रा एक चीज़ मैंने सर्च करके दिखा दो, तो मैं सिंपल इस टास्क बार में इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड मैं कह लेता हूँ कि पाकिस्तान मेन सिटीज नेम्स, तो आप सर्च कर दें तो आप यहाँ पे जो ही आप इसको करेंगे तो ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अभी ये मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी है, लिहाजा मैं दोबारा स्विच करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एमएस एक्सेल के पास आ जाऊँगा। तो ये टास्क बार का बहुत अहम फंक्शन है जो हम स्विच करते हैं विद इन नो टाइम, और में कोई मसला भी नहीं होता, बजाय कि हम स्टार्ट
मेन्यू में आ जाएं और यहाँ से ओपन करें, या डेस्कटॉप में दोबारा अगर हमारे डेस्कटॉप पे सो मिनी फाइल्स ओपन हैं तो मैं एक एक चीज़ को चेक करूंगा कि कौन सा फाइल मैंने ओपन किया और किस पे काम कर रहा हूँ। तो ये टास्क बार में वो हमें आइकन नज़र आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था सिस्टम ट्रे विद एक्शन सेंटर। सिस्टम ट्रे जो है वो ये वाला एरिया है, इसमें सिस्टम की रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, सिस्टम डेट, टाइम, लैंग्वेज, वाईफाई की, नेटवर्क की। अभी ये देखो ये मुझे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप कहाँ से कनेक्टेड हैं। ये एक अगर आप इसके इधर ही सो मिनी अगर आपके सिस्टम के रिलेटेड वो सॉफ्टवेयर ओपन है तो यहाँ पे वो शो होंगे, इस टाइम ये एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर हैं वो अटैच हैं। ये डेट है, डेट पर आप क्लिक करें और ये नोटिफिकेशन का एरिया है, यहाँ पे रिलेटेड आप नोटिफिकेशन सिस्टम के रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन है, विंडो सिक्योरिटी है, व्यू अपडेट है, सारा यहाँ पे आपको सिस्टम के रिलेटेड, इस वजह से इसको कहते हैं कि ये सिस्टम ट्रे है, सिस्टम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये सिस्टम ट्रे है, इसको एक्शन सेंटर यानी एक्शन, यहाँ से आप डायरेक्ट अपना कोई भी सेटिंग में जा सकते हैं और वहाँ पे अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं या दोबारा रिवर्स करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली इसका आज प्रैक्टिकल था जो हमने जो पिछले लेक्चर में हमने डेस्कटॉप विंडो 10 का डिस्कस किया था और आज हमने इसका प्रैक्टिकल किया। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये वाजे हो चुका होगा कि, और क्योंकि इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इसी डेस्कटॉप को समझना है। ये डेस्कटॉप है, ये आइकन है, यहाँ पर ड्राइव की इंफॉर्मेशन है, ये स्टार्ट बटन है, ये सर्च बार है, ये टास्क व्यू है, ये टास्क बार है, ये सिस्टम ट्रे है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आप स्टिल हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे भी हौसला अफजाई हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अच्छी अच्छी इसी तरह प्रैक्टिकल वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।